हेलो जॉर्जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम लोग किचन रूम को साफ करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों मस्त ब्रेकफास्ट कर लिए थे। फिलहाल साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। छोटू छोटू, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर दम है कि नहीं है? हाँ, करना है ना फिर साफ। चलिए दोस्तों करते हैं, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का प्याज इतना बड़ा बड़ा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह उठ के एडिट में बैठ गए थे और फाइनली एडिट भी हो चुका है, रेंडर में डाल दिए हैं। अभी रेंडर होता है उसके बाद अपलोड कर देंगे दोस्तों। और आज ब्लॉग नहीं दे पाए दोस्तों आपको, आज भी और कल भी नहीं दे पाए थे, बिकॉज लैपटॉप थोड़ा सा धोखा दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी अपडेट वर्जन आया है तो अपडेट नहीं लिए उसका, क्योंकि 3000 मांग रहे हैं अपडेट के लिए। तो थोड़ा सा अपना इनकम भी नहीं है उतना कि अपडेट दे सकें इसको न्यू वर्जन के लिए, तो वही पुराना ओल्ड वर्जन को ही यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी के चलते थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लैपटॉप, जैसे तैसे एडिट हो जाता है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी लैग करता है, तो वही दिक्कत है दोस्तों। फाइनल दोस्तों एडिटिंग रेंडरिंग सब कंप्लीट हो चुका है, अब चलिए चलते हैं बाहर। हेलो जॉर्जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते एक बार। अरे आजकल एटीट्यूड हो गया है जॉर्जी के ऊपर, गुड मॉर्निंग बोल दो। छोटू आज भी आ गया है। छोटू तुम भी बोल दो गुड मॉर्निंग जॉर्जी। यह देखिए दोस्तों एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड बॉय। और देखिए भाग रहा है दोस्तों, और लगता है आज बादाम का चटनी बनने वाला है। निकिता मैडम बना रही है। अरे नहीं कर, टूट जाएगा फोन। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग किचन रूम को साफ करने वाले हैं, तो चलिए पहले फ्रेश हो लेते हैं। ब्रश भी नहीं किए हैं तो ब्रश करते हैं, फिर करेंगे शुरू काम। फाइनली दोस्तों ब्रश कर लिए हैं, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का ये है ब्रेकफास्ट, मछली चावल बादाम की चटनी और कोहड़ा की सब्जी। फाइनली दोस्तों मस्त ब्रेकफास्ट कर लिए थे। फिलहाल साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। कौन पता नहीं हड़िया है। लगभग लगभग साफ हो ही गया है, बस फ्रिज साफ नहीं हुआ है, अभी साफ हो रहा है। और ये सब खाली है, देख सकते हैं पूरा खाली कर दिए हैं, और इधर तो लगभग हो ही गया पूरा। चलिए अभी बहुत सारा बाकी है। तो फाइनली दोस्तों साफ हो चुका है, चलिए थोड़ा सा एक झलक आप देख लीजिए सिनेमैटिक। दोस्तों आपने सिनेमैटिक देख लिया होगा, और फिलहाल सोच रहे हैं छोटों के साथ हम लोग एक्वेरियम साफ करने का, बट अभी जस्ट लाइट आया था फिर कट गया है। तो चलिए पानी खाली करेंगे, बालू वाले को धोएंगे उतना तक लाइट आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वरना ये काम भी होते रह जाएगा। और फिलहाल टाइम हो गया है दोस्तों 12:15। जो छोटू छोटू, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर दम है कि नहीं है? हाँ, करना है ना फिर साफ। चलिए दोस्तों करते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो दोस्तों देखिए साफ कर रहे हैं, और कितना कचरा, गंदा पानी, पूरा गंदा हो चुका है दोस्तों पानी, फिर इसको निकाल दिए हैं। तो फाइनल दोस्तों साफ कर दिए थे लेकिन लाइट चला गया, और देखिए डेकोरेट हो चुका है बट पानी नहीं डाल पाए, लाइट चला गया इसलिए। तो वेट कर रहे हैं अभी लाइट आने का। और ये ओरिजिनल पत्ता है दोस्तों, मत सोचिएगा डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है पूरा पौधा। ये पत्थर भी ओरिजिनल है, ये भी मिट्टी के हैं, ये लकड़ी डाले हैं, ये भी ओरिजिनल है, देख सकते हैं। ये बालू धुल जाएगा, ऐसा मत सोचिए चिपके रहेगा, पानी डालेंगे तो सब साफ हो जाएगा।
और ये फिश भी दिख रहा है ना दोस्तों, ये भी ओरिजिनल है। और ये टकलू मुंडी दिख रहा है ना, ये भी ओरिजिनल जॉर्जी है। चलिए दोस्तों वेट करते हैं लाइट आने का। और आज का वेदर देख सकते हैं पूरा धूप धूप है दोस्तों। तो दोस्तों आधा घंटा से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक लाइट नहीं आया है, तो भूख लग रहा है, टाइम भी हो गया, 2 बज गया दोस्तों। तो चलिए अब लंच कर लेते हैं। क्या हो रहा है बाब, क्या बोल रहे तुम? अच्छा बंदूक वाला कपड़ा तुमको पहनना है। बहुत प्यार करता है दोस्तों ये कपड़ा से जॉर्जी। क्या बनेगा बड़ा होके? आर्मी। फाइनली दोस्तों लंच भी हो गया है लेकिन अभी तक लाइट नहीं आया, तो चलिए अब चलते हैं बारी साइड। मम्मी लोग शायद प्याज उखाड़ रही है, चलिए देख के आते हैं उधर से लाइट आएगा तो फिर आ जाएं पानी भरने। प्याज उखाड़ रही है मम्मी, बोले थे तुमको तो हो गया, फिर पानी दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का प्याज इतना बड़ा बड़ा हुआ है, साइज तो मस्त है ना, मस्त बड़ा बड़ा साइज है। अरे बाप रे, सही में बड़ा बड़ा है। दोस्तों मस्त प्याज उखाड़ रहे थे और 2-3 क्यारी बाकी है, तो मम्मी लोग कर रही है, तो जॉर्जी लोग भी घर आए हैं तो देखने आए हैं लोगों क्या कर रहे हैं घर में। ओ भाई साहब खा रहे तो लोग अंदर, और क्या बनाया यहाँ बिस्तर सोफा को क्या कर दिया पगली लोग। और दोस्तों लाइट अभी तक नहीं आया है, अब ऐसा लगता है कि खुद से चापाकल चला के भरना पड़ेगा। क्या ला रहा छोटू? अरे कोइनर साग। कहाँ से मिला? जब अच्छे से रखना ना फ्रिज में डाल देना। तो दोस्तों मैंने पिछला ब्लॉग में आपको बताया था कि लीची नहीं फला है, लेकिन आज दिखा कि लीची फला है दोस्तों। ये देखिए इधर भी फला रखो, इधर एक छोटा हो जाएगा बाबू के लिए, इधर भी है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग का एक साइड का प्याज उखड़ गया है, वो तो बाद में रोपाया था इसलिए अभी तक नहीं बना है वो सब, इधर का बन चुका था। चलिए दिखाते हैं कितना सारा हुआ, आप झोपा झोपा में गिनती कीजिएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 इधर हल्का सा है, 5 ही बोलिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 18 है। लेकिन यहाँ पे 17 डब्बा है दोस्तों, लेकिन 18 गिनती हुआ है क्योंकि एक डब्बा से शायद 2 बना होगा इसलिए वैसा हो गया होगा। तो एक्चुअली में 17 डब्बा है और साइज भी मस्त है एकदम बड़ा बड़ा। ये दोस्तों देख सकते हैं तबड़ा बड़ा है, एक नंबर। तो दोस्तों हम लोग का एक एक्वेरियम तो देख ही लिए हैं आप लोगों ने, लेकिन और एक एक्वेरियम है हमारे पास, चलिए दिखाते हैं उसको भी। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का दूसरा एक्वेरियम जिसमें कि टर्टल है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली में ये टर्टल हम लोग को मिला था तालाब से, तो उसी को पाल के रखे हैं दोस्तों, अभी लगभग 2 महीना हो गया है तब से हम लोग के पास है। कोई सा ब्लॉग में दिखाए थे लेकिन याद नहीं है दोस्तों, तो आज वही सोचे कि दिखा देते हैं आज भी, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी हैं। एक्वेरियम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिए दोस्तों, देखिए इसमें थोड़ा सा पत्ती डाल दिए हैं, पानी में रहता है वाला पत्ती को, अभी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्वेरियम है और जस्ट उसके नीचे दूसरा एक्वेरियम को डाल दिए हैं यहाँ पे, और पत्ती को निकाल दिए क्योंकि ये शोभा नहीं दे रहा था अंदर, अभी देखिए अच्छा लग रहा है। फाइनली दोस्तों लाइट आ गया था तो मस्त पानी भर दिए हैं, देखिए अब ये फिल्टर हो रहा है, अब कितने देर में फिल्टर होगा पता नहीं, चलिए फिल्टर होगा उसके बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों जो चीज़ के लिए रुके थे इतनी देर ही वो चीज़ हो चुका है, अब चलिए नहाते हैं फट से। टाइम हो गया है दोस्तों 4:30 होने जा रहा है, फ्रेश हो चुके हैं दोस्तों, अब एडिट किए थे वीडियो को उसको अपलोड करते हैं कि शेड्यूल में डालेंगे तो ही आपके पास पहुँचेगा, वरना फिर डालते रह जाते हैं वीडियो को भी। तो चलिए वो काम करते हैं, मम्मी लोग तो बारी में ही है, फिर अपना जो भी डिनर है फिर शुरू हो जाएगा बनने के लिए। तो फिलहाल जी दोस्तों शाम हो चुका है और जॉर्जी गया था बाहर घूमने के लिए और इसको दिख गया कहाँ आइसक्रीम, तो अभी चाहिए कह रहे थे, चल रहे हैं देखने के लिए, बदमाशी कर रहे, जिद कर रहे थे। किधर है, कहाँ कहाँ खड़ा है? आखिरकार जॉर्जी को आइसक्रीम मिल ही गया दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं बताइए, इतना आग तेज है इसका, इतना शाम हो गया लेकिन भी इसको आइसक्रीम का दुकान दिख गया, मतलब घुमाता है वाला रिक्शा। एक टुक पापा के लिए खरीद दिया है। तो फिलहाल जी दोस्तों मैं बना रहा हूँ डिनर और आज है सब्जी में भिंडी आलू, और बहुत कोई कहता है कि भिंडी और आलू साथ में नहीं बनाते हैं, तो आज बना रहे हैं दोस्तों हम, कैसे लगता है देखते हैं, मज़ा आता है क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो
तो दोस्तों हमारे घर में क्या आया है देखिए, आज क्या मूखा है, मतलब क्या मेंढक है, देख रहे जोर जी भाई साहब, ओ भाई साहब। तो फाइनली दोस्तों भिंडी और आलू भुंजिया बन चुका है, देखिए क्या मस्त दिख रहा है। कौन कहता है कि नहीं बनता है, ये देखिए क्या मस्त लजीज दिख रहा है। सर निकिता मैडम को क्या चुल मचा है, अभी रात में बना रही है चरबोदा। नहीं नहीं छिटक जाएगा, ऑयल छिटके का तेल। तो फाइनल दोस्तों हम लोग का सबका डिनर हो चुका है और फिलहाल अभी आ गए हैं एडिट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, होप करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।